तो क्या सच में किसी भी रील को वायरल करने के लिए टाइमिंग कोई खास रोल प्ले करती है? तो ऑब्वियसली दोस्तों, किसी भी रील को वायरल करने के लिए अगर आप लोग उसे करेक्ट टाइम पे पोस्ट करते हो तो गारंटेड वो वीडियो वायरल जाता है, दूसरों के सामने सजेस्ट होता है एंड वो ब्राउज फीचर में जाता है, जिससे लोगों को वो काफी ज्यादा रेकमेंड होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे किस टाइम पे अपनी रील को अपलोड करना होगा जिससे आपका वीडियो दूसरे के सामने रेकमेंड हो, वो ब्राउज फीचर में जाए एंड वो वीडियो वायरल हो। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कराना चाहते हो आपका अकाउंट सही है या फिर नहीं है, तो आपको नीचे कमेंट कर देना है, 3-4 आपको कमेंट कर देना है अपने आईडी के, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोग कमेंट कर दोगे तो मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बट अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे प्रेस कर देना। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग मेरे इस अकाउंट को देख सकते हो, इस अकाउंट की हर रील लाखों में मिलियंस में जाती है। एंड दोस्तों, मैं इस अकाउंट की रील को किस टाइम पे अपलोड करता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपको शेयर करूंगा एंड जिससे मेरा हर वीडियो वायरल जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि काफी सारे क्रिएटर सबसे पहले करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड काफी सारे यूट्यूबर भी बताते हैं आपको वही बार बार गलती करने को, ठीक है। तो आप लोग इधर साइड में मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये मेरा एक सेकंड अकाउंट है जो कि मैं आपको पर्सनली इसे यूज करता हूँ, उसके ऊपर मैं ज्यादा मेहनत तो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो मेन अकाउंट है उसी से मेरा अर्निंग वगैरह होता है, ठीक है। तो मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और सारे लोग यहाँ पे इनसाइट के ऊपर चले जाते हैं एंड सबसे नीचे चले जाते हैं, ठीक है, टोटल फॉलोअर के ऊपर, और सबसे नीचे आते चले जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ये आजकल सबके लिए सेम ही रहता है, ये इंस्टाग्राम ने आजकल ये बग सा ही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं करना है। तो जो टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। तो क्या टाइमिंग है उसे जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ग्रो होना है, एक अच्छा फैन बेस बनाना है और आप लोगों को पता कि मुझे कुछ करना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो पर डे के 3 वीडियो अपलोड करने होंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। इससे ऊपर आप लोग कितना भी कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को 3 वीडियो अपलोड करना है। एंड टाइमिंग सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों आपको 6 बजे से 10 बजे तक वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी पूरा दिन वीडियो अपलोड नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है सुबह का टाइम मोस्टली लोग फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और आपकी वीडियो जब उन्हें रेकमेंड होगी तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अगर उन्हें अच्छा लगता है। बट दोस्तों ये शर्त है कि आप लोगों को HD कॉन्टेंट देना है, कुछ वैल्यूबल देना है जिससे लोगों को देखने में मजा आए, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद आपको पूरा दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है पूरा दिन लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि अपना काम छोड़ करके आपके वीडियो कोई देखने बैठेगा, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी तो आप हो नहीं, ठीक है, अगर इन फ्यूचर बन जाओ तो एक अलग बात है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पर डे 3 वीडियो मिनिमम टू मिनिमम अपलोड करना है, आपको पूरा दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं करना है, सिर्फ 6 से 10 तक ही करना है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड टाइमिंग हमारी आती है, सिर्फ 5 बजे से 6 बजे तक आपको 1 वीडियो अपलोड करना है, आपको उसके बाद में वीडियो अपलोड नहीं करना है। आपको 5 से 6 बजे के बीच 1 वीडियो अपलोड करना है जो कि आप लोगों ने 3 वीडियो में से 1 वीडियो शूट की थी, ठीक है। एंड दोस्तों हमारी थर्ड जो टाइमिंग आती है, आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच वो वीडियो अपलोड करना है जो कि आपका 3rd वीडियो है। बाकी अगर आप लोग अपना एक्स्ट्रा वीडियो बना लेते हो तो आप लोग इसके बीच में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 8 बजे से 9 बजे के बीच ही वीडियो को अपलोड करना है। इस टाइम पे मोस्टली काफ़ी सारी जो ऑडियंस है वो एक्टिव रहती है एंड आपकी वीडियो को जब आप लोगों को पता है उनके सामने रेकमेंड होगी, नोटिफिकेशन जाएगा, तो यार उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कॉमेंट करेंगे, जिससे आपके अकाउंट की रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दोस्तों मैंने यहाँ से अपना एक AI वेबसाइट से भी ओपिनियन लिया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसने मेरे को बताया था उस टाइम पर आपको मोस्टली अपलोड करना है जिस टाइम पर आपके फॉलोवर मोस्टली एक्टिव रहते हैं, और आपको इंस्टाग्राम के उस वाले ग्राफ के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको जो मैंने टाइमिंग बताई है बस आपको उसी टाइम पे अपलोड करना होगा, तो आपको सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड आप लोग मुझे खुद इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करोगे कि हाँ ट्रिक सच में काम करती है। दोस्तों जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है वो टाइमिंग आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है एंड मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 वीडियो अपलोड करनी है। इससे ऊपर आप लोग कितना भी कर सकते हो, आप लोग पर डे का 4-5 कितना भी कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो मैंने टाइमिंग बताई सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम है, इस टाइम पे आपकी वीडियो सजेस्ट होती है दूसरे बंदे के सामने एंड वो ब्राउज फीचर में जाती है जिससे लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर दोस्तों आप लोग अपना अकाउंट चेक कराना चाहते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना अपना आईडी, 2 से 3 बार कमेंट कर देना जिससे मैं एक बार में उसे पढ़ दूं। तो बस मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा एंड बाय बाय।